नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम विशेष इन्फोटेक लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे आज का जो डिस्कशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो भी यहाँ पे शेयर को होल्ड करने के बारे में सोच रहा है या फिर होल्ड करके रखा हुआ है उसके लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार एक महीने में इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है और इतना अच्छा इसका ग्रोथ लेवल है। अगर वन मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 275% इंक्रीज लेवल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों से क्या हो रहा है, पिछले दो तीन दिनों से यहाँ पे जो स्टॉक है विशेष इन्फोटेक, इसके ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी यहाँ पे कमेंट्स आ रहा है। और यहाँ पे जो नेगेटिविटी आ रहा है उसका इफ़ेक्ट भी स्टॉक में पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो नया इन्वेस्टर है उन सभी को मैं यहाँ पे एडवाइस देना चाहूँगा कि कोई भी छोटी से छोटे न्यूज़ के ऊपर विश्वास करके थोड़ी सी भी पैनिक मत होइएगा। यहाँ पे देखिए, कोई भी स्टॉक अगर आप ख़रीदते हैं वहाँ पे उतार चढ़ाव लगा रहता है, ये सबसे बड़ी बात है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। पैनिक अगर होते हैं तो आपका पैनिक देखकर कोई और पैनिक होगा और आप जो डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो शेयर है उस शेयर में भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे में पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। और यहाँ पे जो नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे अभी आपका किस किस का नुकसान चल रहा है, किस किस का प्रॉफिट चल रहा है, क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्ट करते हैं क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, क्या अभी आप अगर निवेश करना चाहते हैं इस शेयर में क्या निवेश करना सही रहेगा, या फिर थोड़े दिनों बाद करें, अभी इसका अपर सर्किट चल रहा है, सारे क्वेश्चनों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस से भरी शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 5 डे में जो यहाँ पे परसेंटेज दिया है, आप देखिए यहाँ पे 5 डे में क्या परसेंटेज है, 36.36%, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ लेवल दे रहा है ये कंपनी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 36%, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं है, कुछ कुछ कंपनी होता है जो 36% ग्रोथ दे ही नहीं पाता है, ठीक है। 5 डे में बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें रिटर्न्स मिला है। अगर हम 1 डे की बात करें, देखिए अपर सर्किट लग चुका है, 275% हमें अपर सर्किट की ओर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो परसेंटेज की अगर हम बात करें 275%, जो कि बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ आपका यहाँ पे शेयर को आपने होल्ड करके रखा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 6 मंथ को एनालाइज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 20 पैसे में 6 मंथ पहले यहाँ पे 20 पैसे में शेयर मिल रहा था। अगर किसी ने यहाँ पर 20 पैसे में ख़रीद के रखा है तो उसका अभी प्राइस कितना 75 पैसे हो गया है। और इसका अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये अपर सर्किट लग चुका है, यहाँ पे पहले हम इसको ग्राफ को एनालाइज़ करते हैं उसके बाद आपको टारगेट के बारे में बताएंगे और लास्ट में हम बताएंगे कि यहाँ पे पैनिक क्यों हो रहा है और कौन सा न्यूज़ है उसके जिसके ऊपर यहाँ पर पैनिक किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले मैं पूरा 1 ईयर की चार्ट को या 5 ईयर की चार्ट को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, मतलब मैक्सिमम का। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ये जो पैनिक स्टॉक है पहले तो बहुत ही बड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे हमें डाउन सर्किट दिखाई दिया। यहाँ पे बहुत दिनों पहले की बात, यहाँ पे लगभग 21 साल पहले की बात यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि 21 रुपये था यहाँ पर प्राइस उसका, लेकिन अभी क्या है प्राइस उसका 75 पैसे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ग्राफ का जैसे कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमें अपर सर्किट देखने को मिला था, कितने साल की अगर हम बात करें तो देखिए
2005 में यहाँ पे शुरुआत हुआ था और यहाँ पे ख़त्म हुआ कितना, 2008 में। तो 5, 6, 7, 8 लगभग 4 साल यहाँ पे हमें अपर सर्किट देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2012 में लॉकडाउन के यहाँ पे सॉरी 2012 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपर सर्किट धीरे धीरे लगता है गया। और यहाँ पे कितने दिनों तक, 2013 तक यहाँ पे हमें अच्छा खासा, सबसे अच्छा मतलब 3 रुपये यहाँ पे हमें ग्रोथ लेवल दिखाई दिया। और बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेम ऐसे ही स्ट्रैटेजी अभी हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो कितना रुपए तक जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो 2013 की अगर हम बात करते तो अभी देखिए 3 रुपये 32 पैसे तक गया था, लेकिन अभी जो मार्केट का प्राइस है और एनालाइज जो कह रहा है वो अभी बहुत ऊपर तक भी जा सकता है, लगभग 3-3.5 रुपये तक भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है, और अगर आप यहाँ पे निवेश करना चाह रहे हैं तो आपका जो डिसीजन है वो लेने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप निवेश करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ एनालाइज, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब 5-6 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा एनालाइज करना पड़ेगा, रिक्स आपका बन जाता है क्योंकि टाइम इज़ मनी। ज़्यादा टाइम अगर आप देते हैं यहाँ पे तो रिक्स हो जाता है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट तो आएगा लेकिन कितना प्रॉफिट आएगा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट आने का चांसेस नहीं है। इससे भी अच्छा शेयर आपको ढूंढना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा, छोटा सा एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप एक बार ऊर्जा ग्लोबल करके एक शेयर है उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में इससे ज़्यादा प्रॉफिट आप वहाँ पर कमा सकते हैं। आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एक जगह पर पैसा लगाने से पहले 2-3 जगह पर रिसर्च करना बहुत ही अच्छा होता है। जितना आप रिसर्च करेंगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा, और जितना आपका ज्ञान बढ़ेगा उतना ही आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे बहुत, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जो सोच रहा है उसके ऊपर बात। और अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए सोचें तो यहाँ पे देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज की अगर हम बात करें बहुत ही ज़्यादा अच्छा परसेंटेज यहाँ पे रेवेन्यू आपको ये कंपनी बना के दे सकता है और दे भी रहा है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 मंथ का अगर हम बात करें 400% ग्रोथ। देखिए कोई भी कंपनी अगर आपको ग्रोथ देता है 400% ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ा बहुत रेवेन्यू कमा, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए मतलब थोड़ा बहुत समय देकर यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा लगाकर, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी को खरीद कर ज़्यादा यहाँ पे आप मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ का जो परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए आप यहाँ पे 2-3 गुना तक यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके। और अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने या फिर 7 महीने के लिए करें तो फिर आपके लिए ये शेयर बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा, डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम यहाँ पे लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपका जो पैसा है वो आपको ही लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत रिसर्च आपको भी करना पड़ेगा, किसी भी वीडियो के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। और यहाँ पे आप अपने रिसर्च खुद कीजिए, यहाँ पे आप अपना नंबर को देखिए, मतलब यहाँ पे हम लोग जो नंबर दिखा रहे हैं वो नंबर को देखकर एनालाइज करके फिर अपना डिसीजन लीजिएगा। हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है कि आपका जो डिसीजन है वो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंग और भी अच्छे से आप अपना डिसीजन ले सके। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। और सबसे लास्ट वाला, आखिर वाला बात आपको एक बता देते हैं कि जो पैनिक स्टॉक, मतलब पैनिक कर रहा है ये जो यहाँ पे नया आपका ट्रेडर्स आया है, तो यहाँ पे जो
थोड़ी सी छोटे मोटे बात पे बात के बातों के ऊपर यहाँ पे पैनिक कर जाता है, तो उसका भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट इस शेयर में पड़ता है। तो यहाँ पे पैनिक जो हुआ था यहाँ पे NSE में क्या हुआ था, थोड़ा सा हमें लोअर सर्किट में 70 दिखाई दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन डे की अगर हम बात करें तो 75 पैसे है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन हुआ था 75 में, लो हाई हुआ था 75 और लो जो हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 70 है। तो यहाँ पे जो 70 आया है इसी को लोग देखकर यहाँ पे थोड़ा बहुत पैनिक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लो है 70 आया है और यहाँ पे लोअर सर्किट लगने का चांसेस है, ये अनुमान लगाकर यहाँ पे थोड़ा बहुत पैनिक कर रहा है जो नया जो इन्वेस्टर आया है वो सभी। तो उसका यहाँ पे देखिए कोई रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे जो BSE की अगर हम बात करें तो BSE में आपको लोअर सर्किट नहीं दिखाई देगा, लेकिन NSE में आपको यहाँ पे 70 पैसे का मतलब लोअर सर्किट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत लो हो गया था किसी रीज़न से। तो यहाँ पे ये बात नहीं है जो लोअर सर्किट लगेगा, तो यहाँ पे सिर्फ लो दिखाया गया है कि 0.70 गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो ख़त्म हुआ है वो 75 में ही ख़त्म हुआ है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक की कोई बात नहीं है, अच्छे से आप यहाँ पे एनालाइज़ कीजिए और यहाँ पे आपका ट्रेड करना चालू रखिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके की शेयर मार्केट से जुड़ी नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस से भरी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।